Hello and welcome. This is Sonal and welcome to my channel. अभी बज रहे हैं रात के 11:30। क्रिसमस के लिए आधा घंटा बाकी और हम लोग आ गए हैं रेड चर्च। ये है रेड चर्च के बाहर का नजारा। क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो सब बाहर खड़े थे कि कब अंदर हमें जाने दिया जाएगा। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। स्ट्रीट मार्केट में हैट्स कैंडल्स ये सब मिल रहे थे ताकि हम अंदर चर्च में जाके लाइट कर सकें। अभी आई थिंक मास की तैयारी चल रही है चर्च में, सो हम रेड चर्च के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। लेट्स टेक अ स्ट्रोल, यहाँ का डेकोरेशन देखते हैं। रेड चर्च में इस बार पास सिस्टम है, सो नॉन क्रिश्चियंस को सिर्फ 25th ऑफ दिसंबर को ही आने देंगे ऐसा कहा गया, यानी हमें कल आना रहेगा। आज अचानक से ज़्यादा ठंड हो गई है इंदौर में, फ्रीजिंग। As beautiful as ever. ये खूबसूरत डेकोरेशंस आप देख रहे हैं सेंट रैफल्स स्कूल के अंदर। ये ठीक रेड चर्च के सामने है। The cow there looks the cutest. Then the donkey. Then the sheep. Then the child. सबसे क्यूट तो मेरी तो है ही। अब 25th को सबसे पहले हम इंदौर की सबसे बसलिंग जगह जहां सबसे ज्यादा भीड़ होने वाली थी वहां गए। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था पूरा इंदौर उठकर यहीं आ गया है। ठंड आ चुकी है अब थोड़ी अच्छी वाली इंदौर में, एंड आप सभी को मेरी क्रिसमस। आज हम आए हुए हैं इंदौर के एकदम नए बने हुए फीनिक्स सिटाडेल में। देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशंस। और आप भीड़ देखिए जरा, कितनी सारी कारें खड़ी हैं, लोग भी यहां बढ़ते जा रहे थे जैसे। वाओ, द क्रिसमस ट्री, जस्ट लुक एट इट। इतना बड़ा क्रिसमस ट्री, हैव यू एवर सीन दैट? अब अंदर जाने के लिए हमें इस रास्ते से जाने को कहा गया। क्या भीड़ हो रही है आज। फीनिक्स का एक छोटा सा ट्रिप करके हम निकले रेड चर्च की तरफ, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वो बंद हो गया था ऑलरेडी। क्रिसमस इन इंदौर, इसके लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।